वीएसकेएम चैरिटेबल फाउंडेशन के अध्यक्ष वैद अनिल अंकुश ने कहा कि युवा वर्ग में लगातार संस्कारों की कमी होती जा रही है। संस्कार शिक्षा के लिए एक पाठशाला होनी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि उनकी संस्था पिछले कई वर्षों से गरीबों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था कर रही है। आगे उनका लक्ष्य है कि एक संस्कार विद्यालय खोलने का। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन जहां सरकारी संस्थाओं में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए मदद करने के लिए अग्रिम रही है, वहीं संस्था बच्चों को संस्कार सिखाने के लिए भी एक पाठशाला जल्द ही शुरू करने वाली है, जहां पर बच्चों को संस्कार सिखाए जाएंगे। इस पाठशाला में हर प्रकार की किताबें रखी जाएंगी ताकि पाठशाला में बच्चे और बड़े भी संस्कारों का पता लगा सके। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वो नशे से दूर रहें और सरकार भी नशे के खिलाफ सख्त कदम उठाए। हम दोनों टाइम कोई भी गरीब आदमी आ जाए, रोटी चावल सब्जी या दाल एक फल अचार ये तो जरूर ही मिलेगा, और इससे ज़्यादा भी कई बार कर देते हैं, जैसा भी साधन बनता है वैसा ज़्यादा कर देते हैं। लगभग साधन 70% मेरे अपने उससे होता है और 30% जो है ना लोग जुड़े हुए हैं अभी इससे। और इसके साथ सेवा क्या है, सबेरे पंछियों को दाना डालना, कबूतर चिड़िया वगैरह को दाना डाल करके आने, उसके बाद में गऊं को चारा डालना। एक डिस्पेंसरी जो दटवाड़ा के अंदर खुली हुई है वो गरीब लोगों के लिए आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खुलवा रखी है, जिसमें थोड़ी सी मॉडर्नोपैथी भी बाकी आयुर्वेदिक इलाज करते हैं। उसके साथ साथ गरीब बच्चियों की शादी के लिए, गरीब बच्चियों की पढ़ाई के लिए, अगर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर किसी बच्ची को पढ़ना है और उसके पास कोई भी साधन नहीं है, वो चाहे किसी भी क्लास की बच्चा आ जाए, उसको पूरा संस्था की तरफ से।